Good morning students. Today we will do the question answers of lesson Rip Van Winkle. Question number 1. What type of man was Rip Van Winkle? Rip Van Winkle kis prakar ka vyakti tha? Rip Van Winkle kis prakar ka vyakti tha? Answer. Rip Van Winkle was good natured but lazy man. Good natured wo ek acche swabhav ka parantu ek lazy aalsi vyakti tha. Theek hai? Question number 2. Who was the constant companion of Rip Van Winkle? Rip Van Winkle ka constant mane lagatar, yahan constant ka matlab hai wafadar, niyamit, sachcha. Theek hai? Who was the constant companion of Rip Van Winkle? Rip Van Winkle ka vastvik sachcha sathi kon tha? Answer. His dog named Wolf was his constant companion. Uska sachcha sathi, uska dog tha, uska kutta tha, jiska naam kya tha? Wolf. ठीक है उसका नाम क्या था वुल्फ क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वाज द नेम ऑफ रिप वैन विंकल्स डॉग रिप वैन विंकल के कुत्ते का नाम क्या था आंसर वुल्फ वाज द नेम ऑफ रिप वैन विंकल्स डॉग रिप वैन विंकल के डॉग का नाम क्या था वुल्फ ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 राइट द नेम ऑफ गेम्स मेंशनड इन द स्टोरी इस स्टोरी में कौन-कौन से खेलों का नाम यूज हुआ है आया है आंसर चेस फ्लाइंग काइट्स नाइन पिंस शूटिंग मार्बल्स माउंटेन क्लाइंबिंग एटसेट्रा चेस है फ्लाइंग काइट्स है नाइन पिंस है शूटिंग मार्बल्स है और माउंटेन क्लाइंबिंग पर्वतारोहण ये सब जो खेल हैं यहां इसमें कहानी में इनका नाम आया है क्वेश्चन नंबर 5 वेयर वाज रिप वैन विंकल्स विलेज सिचुएटेड उसका गांव कहां पर स्थित है रिप वैन विंकल का गांव कहां पर स्थित था ठीक है सिचुएटेड में स्थित था आंसर रिप वैन विंकल्स विलेज वाज सिचुएटेड एट द फुट हिल्स ऑफ काटस्किल माउंटेंस उसका गांव रिप वैन विंकल का गांव काटस्किल नामक पर्वत की फुट हिल्स में फुट हिल्स माने तलहटी में उसकी जड़ में उसके पैरों में मतलब उस पहाड़ के नीचे उसका गांव स्थित था ठीक है What did the children of village do when they saw Rip Van Winkle? जब गांव के लोगों ने बच्चों ने जब गांव के बच्चों ने Rip Van Winkle को देखा तो उन्होंने क्या किया? Answer: The children of village shouted with joy when they saw Rip Van Winkle. जब उन्होंने Rip Van Winkle को देखा तो गांव के बच्चे जोर से चिल्लाने लगे. ठीक है? जोर से चिल्लाने लगे. So all of you please complete your copy. ठीक है राइट क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग्स एंड लर्न देम ओके थैंक यू